हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार पावर डायरेक्टर। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग पावर पॉइंट में कैसे आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे पावर पॉइंट जो होता है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको पावर पॉइंट में दिखेगा। राइट, जैसे कि हम लोग पावर पॉइंट को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। पावर पॉइंट अभी ये है, ठीक है, ओल्ड मॉडल। राइट, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ इसको और आपके सामने बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह का ही इंटरफेस शो होता है। अब यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन आपको यहाँ पे जो मिलता है, बस इस पर क्लिक करिएगा आप लोग। अब ब्लैंक वाले सेक्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, आपके सामने क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे में एक क्लिक का ऑप्शन कुछ इस तरह का मिलता है। अब हम लोग पहले इस वाले जो ये प्रोजेक्ट है इसको हम लोग ब्लैंक करना चाहेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्लाइड का। राइट, स्लाइड न्यू। अब हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। स्लाइड वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू ऑप्शन आता है ब्लैंक का। राइट, यहाँ पे ब्लैंक वाले सेक्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ये ब्लैंक आ चुका है, अब इसमें हम लोग अपना प्रोजेक्ट को बनाएंगे। राइट, अब उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन को आपको डिलीट करना है। उसके लिए इस पर आप लोग को क्या कि राइट क्लिक करना है अगेन। अब यहाँ पर कट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा या नीचे में एक डिलीट स्लाइड, इस पर क्लिक करिएगा, ये डिलीट हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को कोई भी प्रकार की प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी नेम लिखेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेस्ट टूल का है। ठीक है, हम लोग टेस्ट टूल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक ए का जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है ये बॉक्स में, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। राइट, अब यहाँ पे हम लोग किसी भी टेस्ट को ऐड करेंगे। राइट, हम लोग के पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तेईस। अब यहाँ पे टेस्ट मेरा ऐड हो चुका है। राइट, मैं यहाँ पे अब जहाँ चाहूँ वहाँ लेकर इसको जा सकता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे जब ये देख रहे हैं कि जो आपको ये चारकोर बना हुआ है, ठीक है, जब इस तरह का चारकोर बना हुआ है तभी आप लोग इसको कहीं पर भी ले जाकर ड्रैग कर सकते हैं। अगर ये जब इस तरह से बना नहीं रहेगा तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। अगर रोटेट का ऑप्शन है, अगर आपका ये रोटेट गलत हो चुका है तो आप लोग यहाँ से रोटेट को चेंज कर सकते हैं। राइट, कुछ इस तरह का, और हम लोग यहाँ पे इसको मीड में करते हैं। अब इसमें कलर सेलेक्शन करेंगे, उसके लिए हम लोग इस पर टेस्ट वाले पर सेलेक्ट करके रखेंगे और आगे लेकर जाएंगे और यहाँ पे कलर का ऑप्शन आपको सेक्शन मिल जाता है। कलर सेक्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग और यहाँ पर ए वाले सेक्शन पर आएँगे। यहाँ पर जो भी कलर आपको डालना है आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। राइट, मैं यहाँ पर डालता हूँ रेड। अभी रेड कलर हो चुका है। आप लोग अगर यहाँ पे जो अलग से कोई कलर चाहे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद मैं कलर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग कोई भी दूसरा कलर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद गाइज हम लोग टेस्ट को थोड़ा सा मोटा करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। टेस्ट मोटा हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, एक बार सिलेक्शन इसको करेंगे। राइट, यहाँ पर ऐड करेंगे एक बार पहले और इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कलर का। आप लोग यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं जो ये आपको दिख रहा है। इस सेक्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेस्ट का जो स्टाइलिश है वो चेंज करेंगे कुछ इस तरह का। लेकिन जब आप लोग किसी भी पार्ट को सिलेक्शन करेंगे तो ये पार्टिकुलरली उसी पार्ट को ये ऑटोमेटिक कोई भी
सिलेक्शन वाले पार्ट को ही ये अलग अलग रोटेट करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइनिंग करना चाहता हूँ। नीचे में देख रहे हैं कि ये टोटल सिलेक्शन है, इसके कारण से टोटल में लगा हुआ है। अगर ये करना चाहते हैं कुछ यहाँ पे इस तरह का शेडो बन जाएगा, यहाँ पे मिड में कट हो जाएगा कुछ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ए बी में यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे नॉर्मल है, लोज है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से। चलिए नॉर्मल कर देते हैं हम। उसके बाद गाइस जी मैं यहाँ से अनज़ूम करता हूँ और उसके बाद स्टेज को सिलेक्शन करता हूँ। और आप लोग ये स्टेज देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको हम लोग सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर जो ये टेढ़ा है इसको हम लोग स्विच कर देंगे, राइट। अब इसमें हम लोग अलग अलग कलर देने के लिए बस इस पर क्लिक करिए, सेक्शन कलर का मिलेगा इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे ब्लैक। कुछ इसी तरह से हाइपी न्यू वर्क को हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे रेड करेंगे, राइट। अब इसी तरह से हम लोग सिलेक्शन को पहले कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग ग्रीन देंगे, ग्रीन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टेस्ट पूरा कंप्लीट, यहाँ पे प्रोसेस जो है इसका हो रहा है और अच्छे से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे टेस्ट को, तो उसके लिए गाइस हम लोग इसको पहले इस तरह से करेंगे बड़ा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ये 18, 19, 20, इस पर क्लिक करेंगे और जितना भी आपको लंबा रखना है इसको आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर लट्टू हो चुका है। अगर इसको आप लोग लाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लाइनिंग भी आपको दिया गया, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्वालिटी हमें बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग किसी भी एक पार्ट को चाहते हैं कि यार यहाँ पे लाइनिंग ना लगा हो, तो उसके लिए यहाँ पे अनटिक और यहाँ पे फिर उसी तरह से अनटिक। यहाँ पे देखिए मैं जो भी मेन चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप लोग चाहे हो तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग सेव करना है तो यहाँ पे सेव का भी ऊपर में ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा और आप लोग जो भी सेव यहाँ पे ऐड करना चाहते हो आप लोग यहाँ से इसको रोटेट कर दीजिएगा इस तरह, राइट। और यहाँ पर आपको इस तरह से रोटेट करके इसमें एनिमेशन भी आप लोग दे सकते हैं। उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि कैसे आप लोग एनिमेशन किसी भी प्रोजेक्ट में देंगे, कैसे आप लोग सब कुछ बना सकते हो, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉक्स आ चुका है और इसमें आप लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग टेस्ट वाले सेक्शन पर आते हैं यहाँ पर और यहाँ से कलर फील पर आते हैं, कलर कैसा रखना है आपको, उसके लिए बस इस पर आप लोग को राइट क्लिक करना है और यहाँ पर कलर पर आना है और यहाँ से कलर सेलेक्शन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइलिश पाना है, जो भी स्टाइलिश आप लोग रखना चाहते हैं यार उस तरह से रखिए। चलिए ये ठीक, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आउटडोर है, चलिए इससे कोई लेन देन नहीं है। और उसके बाद हम लोग इसको एक बार डुप्लीकेट करेंगे, राइट। उसके लिए है इस पर क्लिक करेंगे एक बार और नीचे कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे कहीं पर और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर ऐड करेंगे। अगर इसको आप लोग ऊपर करना चाहते हैं तो उसके लिए रोटेट वाले सेक्शन में क्लिक करिए, इस तरह से रोटेट कर दीजिए। इसका भी कलर हम लोग चेंज करेंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं और कलर वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। ऊपर में ये सब बॉर्डर है, यहाँ पे देख रहे हैं बॉर्डर सब है, यहाँ पे अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर दिए गए, राइट। आप लोग जैसा चाहे वैसा यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं। कट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसको यहाँ पे नीप वाले टेस्ट रखेंगे ये वाले, और यहाँ पे इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, राइट। यहाँ पे अगर थोड़ा से और कोई चेंज करते हैं, हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे। अब इसके लिए हम लोग को नीचे इसको करना है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है मूव हेयर, इसको कहीं पर भी मूव करना है तो कर सकते हैं, वरना इस टेस्ट के आपको ऊपर लाना है तो उसके लिए बस इसको आप लोग कुछ करना नहीं है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और